हाई एवरी वन वेलकम बैक टू फोक्रो फैशन कैसे आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होगी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट हर्ब का न्यू लॉन्च जो कि उनका वाइटामिन सी ब्राइटनिंग एंड रीजुवनेटिंग स्किन केयर रेंज है तो आज मैं आपके साथ उसी का रिव्यू करने वाली हूँ इफ यू आर अ स्किन केयर पर्सन लाइक इं टू अर स्किन केयर वाला पर्सन देन यू मस्ट बी नोइंग की वाइटमिन सी इज द लिट इन्ग्रीडियंट इफ़ यू आर एमिंग टू गेट अ ब्राइटर एंड यू नो मोर क्लियर स्किन एंड यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जस्ट हर्ब्स का ये वाइटमिन सी की ब्राइटनिंग रेंज है मल्टीपल वाइटमिन सी प्रोडक्ट जो कि डाइव किए जाते हैं बता देती हूँ आमला इंडियन गूसबेरी तो इंडियन गूसबेरी से यहाँ परिजुवनेटिंग स्किन केयर रेंज बनी है आमला एक पावर हाउस है वाइटमिन सी का ये ट्वेंटी टाइम्स मोर पावरफुल होता है

कमिंग बैक टू द पर्टिकुलर रेंज इट हैज वाइटमिन सी फेस वॉश अ क्ले मास्क अ जेल क्रीम एंड अ सेरम सो बेसिकली अगर बोले तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस पर्टिकुलर रेंज के साथ सॉटेड हो यू डोट नीड एनीथिंग एल्स सो स्टार्टिंग ऑफ विथ जस्ट हर्ब्स वाइटमिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश इसमें आपको मिलता है आंवला लिक्रिस रूट एंड आपको इसमें मिलता है नीम ये बहुत ही माइली फॉर्मिंग फेस वॉश है और ये बहुत ही नॉन ड्राइंग फॉमूला के साथ आता है ऐसी पैकेजिंग है इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम यू नो फ्लिप टॉप पैकेजिंग है इन्श्योर हो जाता है नॉक के साथ एंड आउट ऑफ पैकेजिंग कुछ ऐसी है इंग्रीडियंट एवरीथिंग इज मैंशन ऑन द बैक ऑफ द पैकेजिंग ना इट इज़ अ री फेस वॉश विच इफेक्टिवली क्लेंजेज विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ योर स्किन नेचुरल ऑयल तो आपका स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो लगातार बरकरार रहेंगे आपकी स्किन एकदम ड्राई नहीं हो जाएगी दैट इज़ वन गुड थिंग इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मेक्स माई स्किन लुक ब्राइटर जैसे ही आप इसे फेस वॉश करोगे आपके स्किन में एकदम चमक दिखेगी और जितनी डेड लेयर डेड स्किन थी वो सब चली जाएगी एंड ऑफ कोर्स नीम इज नोन टू टैकल एक्ने एंड ब्लेमिश तो यू नो रेगुलरली जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपके जितने ब्लेमिश हैं आपके फेस पे वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगे uh, और uh, जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हो ये आपके फेस पे बहुत ही लाइट वेट है बहुत ही क्विकली आपके फेस में uh, ये ब्लेंड हो जाता है इट डज लैदर अ लॉट एंड इसकी फ्रेगनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेगनेस एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकती कैसी फ्रेगनेंस है लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग सी रीजुबनेटिंग सी फ्रेगनेंस है सो या यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन ये एकदम लिक्विडी कंसिस्टेंसी का है uh, तो हैवी फील नहीं होगा ये आपको 10 10 मिनट तक पानी के साथे से यू नो लैदर करने की नीड नहीं, नहीं है ये डायरेक्टली फेस पे अप्लाई होते ही जेल कंसिस्टेंसी uh, का है तो डायरेक्टली फेस पे अप्लाई होते ही लैदर अप हो जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जस्ट हर्ब्स वाइटमिन सी स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क जो कि कुछ ऐसा दिखता है यू uh, गेट ऐसा टब वाली पैकेजिंग में योर फेस मास्क यहाँ पर आपको अपना you know, फेस मास्क जाता है ग्रीन कलर का इसका कलर uh, है एंड कंसिस्टेंसी एक क्ले मास्क की तरह है नॉट दिस इज डीपली डीटॉक्सिफाइंग एंड बेंटोनाइट इट इज सपोज टू डिटॉक्सीफाइ एंड डी स्ट्रेस योर स्किन Uh, ये मास्क मुझे ऐसा लगता है बहुत ही परफेक्ट है समर के लिए जब आप एक हॉट ह्यूमिड वेदर से आते हो और आप ये मास्क अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही ठंडा सा फ़ील करता है हल्का सा ये आपको लगेगा फेस पे बट ठंडा भी फील करता है uh, ये एक पर्टिकुलर डबल ड्यूटी फेस मास्क है जो आपके स्किन को डीपली डिटॉक्सीफाई करता है और आपके स्किन पर जितना डर्ट और ग्राइम थे जितना आप बाहर से होकर आए होट ह्यूमिड वेदर में जब आपको ऑयल आ रहा था फेस पे उन सबको एकदम स्क्वीकी क्लीन कर देता है एंड आपके फेस को एकदम रिफ्रेशिंग सा फ़ील कराता है, जैसे जैसे अप्ला, आप अप्लाई करते हो ओवरऑल बोलूँ तो एकदम ही आप जब भी डल फील कर रहे हो या फिर आपके फेस पे एकदम डर्ट हो या स्क्रब करने का टाइम नहीं है तो ये जो फेस मास्क है, ये एकदम हैंडी है एंड ये आपके यू नो रेस्क्यू में आएगा डेफिनेटली सो यू कैन गो एंड चेक दिस वन आउट Now that my skin is super fresh and re-energized, it's time to hydrate my skin, which brings me to, of course, step three. I'm going to use Just हब का ये वाइटमिन सी ब्राइटनिंग सेरम इसमें आपको मिलता है आमलाइन लिक्रिस रूट जो कि कुछ ऐसा अ पैकेजिंग में आता है The actual product we get in here, यहाँ पर एक सेरम की course, बॉटल में है a dropper. Dropper बहुत बढ़िया work करता है It is a beginner-friendly, fast-absorbing वाला सेरम uh, ये एक हाइड्रेटिंग serum भी feel होता है जैसे आप इसे अपने face पर लगाते हो आपको अपनी skin brighten up लगेगी इट uh, removes dullness from your स्किन और लॉन्ग um, रन में जब आप नोट करोगे तो इट डज फेड योर डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन पे भी वर्क करता है बिकॉज कोर्स यहाँ पर वाइटमिन सी मिल रहा है पे क्यों नहीं वर्क करेगा ओवरऑल आपके स्किन को एकदम नरिश्ड और यू नो बहुत ही ग्लोइंगील कराता है आई जस्ट लव इट फील ऑन माई स्किन इट इज नॉट एट ऑल स्टिकी लाइक सम ऑफ दाइटमिन सी स्पेशली जब भी आप समर में अपना यू नो बाहर निकलते हो तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ज्यादा आप लेयरअप uh, कर रहे हो फेस पे बिकॉज ऑइल के साथ जो प्रोड्यूस होता Sweat. Skin oily है और जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, वो सब कुछ के ले जाता है. तो आमला एंड लिक्रूट आई कॉन्ट एम्फ एन कितना बढ़िया कितना अमेजिंग यू नो जेल क्रेम है इसका टेक्चर इज सो गुड अभी हम बात करेंगे उस बारे मेंोडक्ट टब में मिलता है आपको एकदम ही कलर का है कलर का है एंड इसकी एकदम जेली टाइप कंसिस्टेंसी है जो कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और क्विकली है मॉइस्चर like, नरिशमेंट आपके फेस पर एकदम सील कर देगा एंड येट यू फील स्टिकी या फिर ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं प्लस द गॉड एकदम ही यू नो जेली टेक्स्र है एंड बहुत ही बहुत ही अमेजिंग है एंड द टेक्सचर इज टू डाई फॉर लिटरली इट इज सो स्मूथ वेरी लाइट वेट नॉन कोमेटोजेनिक है एंड ऑल्सो इट वोंट क्लॉग योर पोर्स तो या योर स्किन विल बी अलाउड टू ब्रीथ आप इजिली आपकी स्किन ब्रीथ कर सकते हैं ऑफकोर्स इट इज़ अ जेल बेस्ड फॉर्मुला जस्ट वैनशेज इन यूर स्किन एंड गेट्स राइट टू वर्क आपको ज्यादातर घिसने की नीड नहीं है इट्स इट ऑल्सो बूस्ट कैजेंड इट बैलेंसेज योर स्किन पी एच लेवल एंड हेल्थ प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑल्स आई वुड लाइक टू लैदर ऑन अलग

ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज इट ऑल्सो फॉल्स इन टू एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है यू डोंट नीड टू बी अ स्पेसिफिक स्किन टाइप टू यूज दिस पर्टिकुलर रेंज और आपको कोई भी पैराबेन सिलिकॉन नहीं मिलता है एंड इफ दिस इज नॉट अनफ फॉर यू ये वीगन भी है बोलूँ तो इट हैज़ ऑल दोज इन्ग्रीडियंट्स जो आपके स्किन लविंग है यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस पर्टिकुलर रेंज और आपको एक एक बार ट्राई ज़रूर देना चाहिए आपको खुद पता चलेगा ये कितना लाइट वेट है फॉर दीज सीजंस जो समर एंड यू नो ऐसा रेनी सीजन ह्यूमिडिटी वाला एंड समर ऑयली वाला ये जो सीजन आते ना इन सब सीजनस के लिए परफेक्ट है uh, तो या यू शुड डेफिनेटली गो एंड ट्राई दीज पर्टिकुलर